हरनंदी ने अपने बाबुल से बहुत कहा। क्यों कहा? कि बाबुल वापस लौट जाए। लेकिन बाबुल समझदार थे, पता था कि बेटी को ताने मिले हैं तरह तरह के, तेरी वजह से ताने सुनने पड़े हैं, इसलिए दुखी होकर के बेटी ने आकर के तुझसे ऐसा कहा है, इतने कड़वे बोल बोले हैं। कोई बात नहीं बेटी, कह ले। सारी बातें बर्दाश्त कर ली और कह दिया कि बेटी सवेरा होने पर तेरा मान रख करके हम यहां से चले जाएंगे। हरनंदी कहकर के वापस अपने घर आ जाती है। किसी को पता चला, किसी को नहीं पता चला। लेकिन हुआ ये, सवेरा होने के बाद में नाई भेज दिया गौशाला में कि जाकर के कह दो भात ही आए तो हैं, अब भात के लिए तैयार हो ले, देखेंगे कैसा भात भरेंगे। तो नाई पहुंचा और नाई ने जाकर के कह दिया कि मैं बाबा जी नहा धोकर के हो लो तैयार, लाए तो तुम कुछ नहीं हो, सौदा दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी किधर, पर तुम जैसे भी आए हो कोई बात नहीं है, नहा धोकर के तैयार हो लो। अब नरसी भगत कहने लगे कि भाई पानी की व्यवस्था, पानी इतना चहकता इतना गर्म ला दिया, उंगली भी दे तो उसमें भी ये समझ लो कि फपोके पड़ जाए, इतना गर्म पानी ला करके दे दिया और कह दिया नहा ले। नरसी भगत ने उसमें भाप उठती देखी, कहने लगा भाई बहुत गर्म पानी है, थोड़ा सा ठंडा ला दे। तो नाई जहल करने लगा, यहां पर नाई और नरसी भगत के बीच में सवाल जवाब हो रहे हैं। नाई के पार्ट को भाई नीरज भाटी थोड़ी देर के लिए निभा रहे हैं और नरसी भगत के पार्ट को जयवीर भाटी कैसे बला। आइए भैया, हमसे तू जो ना तो तेने राम राम नमस्ते कुछ नहीं करिए, आ करके तू हमसे खड़ा बोल रहा है, क्या बात है? महाराज मालगाड़ी में नजर नहीं आ रहा आपका, जो मामला है वो डाउन है। अच्छा, मामले देख करके ही करे तू भी, तो इसलिए मैं ना मामले देख के मैं सलाम नहीं कर रहा, लेकिन वह मरोड़ छोड़ दे, नहीं अब वो बात नहीं रही तुझमें। मरोड़ कौन सी है मेरी? मैं तो श्री कृष्ण जी महाराज का सेवक हूं, उनका उनके नाम पर ही आया हूँ। अभी ये कह रहा था नरसी जी के नौ तो चिलम पे आई, नौ नहीं कर। हाँ बिल्कुल, हमारे लाख अभी इसमें भी अगर तुझे मरोड़ नजर आ रही है तो और तू हमें दो जूती लगा। हाँ ना जूतन से तो तू आप ही मर जाएगा। ऐसी बात कर रहा तू, तूने तेरा फर्ज बनता है कि आकर के कुछ सेवा पानी करूं, नेक जोक के लिए तो सबसे पहले खड़ा हो जाएगा। हाँ जी नाई के कौन है तो पे कुछ है? कहा बहुत कुछ है, जिसके पास में भगवान है परमात्मा उसमें सब कुछ है। मेरी बात सुनने, जब शाम को आपकी गाड़ी आकर के प्रवेश करी थी गांव में, हाँ तो माल बहुत था गाड़ी, बढ़िया भोजन ने दाब रखी है। हाँ बढ़िया भी लगा ले, टिकती चली आई, सोनो ही भरो पड़े हो गाड़ी में। अन्याय एक टोकरा भूस भी लाके ना गिरा इनका जो, पर कोई बात नहीं, हम तो भगवान से अपना ध्यान लगाए बैठे। भगवान से ध्यान लगाते रहे, चिलम मारे जा, आगे पीछे का कोई ख्याल है नहीं। मेरी बात सुन ले, तू पानी ला रहा है हमसे जेल का, पानी के लिए मेरे पास में समय नहीं है, मैं मनसामल का नाई हूँ, तुझे पता है या नहीं? उनका ही नाई है पर हमारी सेवा के लिए तो भेजा तुझे। आपकी सेवा के लिए समय थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा है, मेरी बात सुन ले, पानी ला के दे दिया, गर्म ठंडे का मिलाने का समय नहीं है मेरे पास। तो ये चहकते फूक जावे हम? कोई बात नहीं, थोड़ी देर में जब ठंडा सा हो जाए जब नहा लीजिए, फिर तू तावल मचा रख, जल्दी चलो भात के लिए। कोई बात ना, तो हुए भीजे कौन हुए स्नान कौन, उन पे अगर छींटे से मार कर पहले जर्सी, अब भी जर्सी पहराएगा। है जाता गर्म नीर नाई के, ओ अच्छा तू ठंडा और मिला ले, मस्त ठंडा ठंडा मिलवाना चाह रहा। अच्छा ये ब्याह का घर है, मन काम घना तन धाना है तो ढा ले, ज्यादा गर्म नीर नाई के ठंडा और मिला ले, ओ ब्याह का घर है ठीक है, नवा दिए तैने तो हमारे नाना मिंड वाले कमर भीतरे तो लग नवा दिए उस धीवर के ने भे।
भेजती है, जा धीवर के ने भेजती है, ले आवे महंगी भर के। एक बार मुश्किल से लाया घड़ी खुशा बंद करके, हम साधु जन स्नान करेंगे सेवा में चित्त धर के। थोड़ी देर में ठंडा हो जा तू नालिए खूब सिंगर के। अरे भजन करेंगे श्री गिरधर का, भजन करेंगे श्री गिरधर का, तू भी पुण्य कमा ले। भजन करनिया न्यूना फिर ते जापन में कुटी बना ले। पूजन भी करना है, उसके बाद में भात के लिए चलना है। हाँ, संध्या भी देखनी पड़ेगी तुझे। 12 बज रहे हैं, अब संध्या पे खड़े हो रहे। 12 ना बज रहे, अभी तो हमारा टाइम हो गया है। जो 4 बजे छोड़ तो खाट, सुबह 4 बजे खाट छोड़ दी, तू आया ही 12 बजे। अच्छा, और क्या, तो पूजा तो पहले ही निपटा लेनी चाहिए, तो पता नहीं थोड़ी देर बाद मनाई आएगा। पानी की समस्या हो रही थी यहाँ पे। ओहो, और ये समझ ले बोतल इधर उधर से तालाब तालाब में से भरवा करके जब इधर उधर गए हम। ओहो, अच्छा सोच के लिए गया। सुन ले, सुना। अरे घर में रहो, घर में रहो चाहे बाहर रहो, अरे घर में रहो चाहे बाहर रहो, उस सावण सहा का सरना। बेटी के घर तू खावण आ गया, न्यूना पारी उतरना। अरे भात के कारण आया सू, मैं भात के कारण आया सू, के लोक लाज से डरना। के तू भरे परात भात में हो इज्जत का मरना। अरे के तू भरे परात में हो इज्जत का मरना। अरे नाई हो के टहले करेना, नाई हो के टहले करेना, अपना फर्ज निभा ले। नेक जोग में थैली भर जा बटुआ नया सिमाले। चिंता मत कर, तेरी चौथी उंगलियों को भी भर दूंगा मैं। अच्छा, चौथी उंगलियां तो भर सके, मुझे मालूम है के बटुआ तो मुझे फेंकने पड़ेंगे और एक बोरी सिवानी पड़ेगी बड्डी सी जिसमें नोट आ जाए। अच्छा, और हमसे ही भरेगा बोरा, और क्या करें जब चौथी उंगलियां भी भरने कुछ आती है ठोकरो है, तो फिर तो नरसिंह जी बोरी सिवानी पड़ेगी। माड़ा मोटा फर्ज निभाऊं, माड़ा मोटा फर्ज निभाऊं, मिल जा जो तेरा लेना। छोड़ी लिए फकीर फिरे, न्यू बेटी ने दुख देना। अरे मतों का भूल माई के, तू आपे में रहना। यही तो बात है, सच्ची बात पे लड़ाई हो जा। अपनी औकात में नहीं है, तू हमसे बहुत ज्यादा बोल रहा है, चहल कर रहा है। सच्ची बात बखत की मुंह पे बुरा लग जा कहना। सच्ची बात बखत की मुंह पे बुरा लग जा कहना। अरे टोटे में चुप रहना नाई, टोटे में चुप रहना नाई, बेशक जीव चला ले। खरी कहन का दुख दुनिया में सौ सौ झगड़े खा ले। काम घड़ा नन नाना है तो ढाले।
सब जानू अंध विश्वासी का तने परिणाम सुना होगा। अरे गाजियाबाद से लोनी रोड पे टीला गाम सुना होगा। प्रेम गुरु का राम रतन तने रट्टा नाम सुना होगा। अरे प्रेम गुरु का राम रतन तने रट्टा नाम सुना होगा। कविता का काम सुना होगा, कविता का काम सुना होगा, तू सुर में तर्ज बना ले। जय घनी जरूरत, जय घनी जरूरत, तने ठंडे जल की तो ऊपर में है परसा।